हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मिताज फूड मैजिक। सो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक परफेक्ट डोनट्स। तो डोनट्स परफेक्टली कैसे बनाए जाते हैं, तो अभी मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूंगी। सो ये मैदा है 250 ग्राम, देन ये मिल्क पाउडर है 20 ग्राम, पाउडर शुगर 35 ग्राम, रूम टेम्परेचर बटर 35 ग्राम, वैनिला एसेंस 1 टीस्पून, सॉल्ट 3 ग्राम और ये है ईस्ट 8 ग्राम। ये लूक वॉर्म वाटर है, ये 135 ग्राम है। सो पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके लेंगे। सो अभी मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया, ये है पाउडर शुगर, सॉल्ट, ईस्ट, इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए मिल्क पाउडर के। अभी हम वैनिला एसेंस पहले ऐड करेंगे। और वाटर, थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके मिक्स करते जाना है। इस आटे को अच्छे से गूंद लेना है। इस आटे को अच्छे से मलने के लिए हम प्लेटफॉर्म पे लेंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा बटर भी ऐड करना है। और इसको ऐसे हाथों से अच्छे से मलना है।
10 मिनट तक हमें ये मलना है आटा। अभी 10 मिनट के बाद हमारा आटा रेडी है। ये डो हो गया है, सॉफ्ट डो है, आप देख सकते हो इतना सॉफ्ट डो चाहिए। अभी हम इसको प्रूफिंग के लिए रखेंगे। प्रूफिंग मतलब ईस्ट डालने के बाद जो फर्स्ट टाइम राइस होता है डो, उस टाइम को प्रूफिंग बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही ले रही हूँ बाउल को। अभी ये डो हमें 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए रेस्ट के लिए रखना है। सो वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी ये हमारा डो है जो डबल हो गया अभी साइज में। तो पहले हम इसको पंच करेंगे। इसकी पूरी हवा निकालनी है तो उसको प्लेटफॉर्म पे लेते हैं। अभी इसको ज्यादा नीड नहीं करना है, थोड़ा सा ही करना है। अभी मैं इसको रोल करूंगी, उसके लिए थोड़ा सा डस्ट कर लेती हूँ पहले मैदा। ये डोनट कटर है मेरा, तो इससे मैं कट कर लूंगी। ऐसे ही आपको बाकी के डोनट कटर्स के यूज से आपको डोनट्स कट करके लेने हैं। सो अभी हमारे डोनट कट होके रेडी है, हम इसको सेकंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। सो मैंने दो तरीके के डोनट कट किए हैं। यहाँ पे बीच में इसको होल है और ये है, इसको हम सेंटर फिल्ड डोनट बनाने वाले हैं इसका। तो अभी हम इसको सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे जो फॉर 15 to 20 मिनट्स हमें रखना पड़ेगा। सो अभी मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम किया हुआ है। ये डोनट जो है अभी ये राइस हो गए वापस सेकेंड प्रूफिंग के बाद। अभी मैं इसको ऑयल में फ्राई करने के लिए डालूंगी।
इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते, अगर आप बेक करना चाहते हैं, तो आप यही सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं डो के लिए। और आप ओटीजी में ये जो डोनट्स है इनको बेक कर सकते हैं 200 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। अगर आपको फ्राई करना है तो आपको सेम रेसिपी फॉलो करनी है जो मैं अभी दिखा रही हूँ। सो अभी हमारे डोनट जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गए एक साइड से, तो मैं उनको सेकेंड साइड से फ्राई करने के लिए रख दूंगी। अभी हमें सेम चीज फॉलो करनी है, सेकेंड साइड से भी उसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। अभी हमारे डोनट्स जो है वो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ये परफेक्ट है। अभी हम इसे बाहर निकालेंगे। अभी हमारे डोनट्स जो है यहाँ पे परफेक्टली रेडी है। अभी हम इसको गार्निश करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट गनाश है, और थोड़े स्प्रिंकलर्स हैं। डोनट को लेना है, इसमें डिप करना है। मैं ये स्प्रिंकल करूंगी। और ये हमारे डोनट्स रेडी है। अभी सेंटर फिल डोनट के लिए मैंने एक डोनट यहां पे रेडी रखा है। पहले हम इसमें नाइफ से एक जगह बना देंगे यहाँ पे चॉकलेट गनाश फिल करने के लिए। तो मैंने अभी इसमें जगह बना ली है नाइफ से। और मेरे पास ये चॉकलेट गनाश है जो मैं इसमें फिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कट दिया था, वहाँ से मैं चॉकलेट गनाश जो है फिल करने वाली हूँ। आप न्यूटेला भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इससे मैं चॉकलेट गनाश में डिप कर रही हूँ। और ऊपर से मैं थोड़ा सा अभी इसमें व्हाइट चॉकलेट डालूंगी।
मेरे पास व्हाइट चॉकलेट है। थोड़े से स्प्रिंकलर्स। सो अभी हमारा ये डोनट्स, मैंने आपको दो टाइप के डोनट दिखाए हैं, एक सेंटर फिल्ड और नॉर्मल डोनट्स। सो ये हमारे डोनट्स अभी रेडी हैं। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको कैसे लगे। Thank you so much for watching this video and please like and subscribe to our channel, Smita's Food Magic. Thank you.